आज हम बनाने वाले हैं भरवा भिंडी। उसके लिए हमने आधा किलो भिंडी ली हुई है, उसको हमें इस तरह से काटना है। इस तरह से हमें भिंडी को काटना है। अब हम सारी भिंडी को काट लेंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं भिंडी का मसाला। उसके लिए हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा तेल। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और भिंडी के अंदर फिल कर। अब मसाले को हमें मिक्स करना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू। अब हमें भिंडी के बीच में इस मसाले को फिल करना है। तरीके से मैं सारी भिंडी को भरना है। इस तरह से मैं सारी भिंडी फिल करनी है। हमने कढ़ाई में तेल लिया हुआ है। भरवा भिंडी बनाने के लिए तेल को हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे। अगर तेल कम होगा तो भिंडी में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हमने टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। इसको अब हम इस तेल में डालेंगे। दो मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे भिंडी। इसमें हल्का सा हमें नमक डालना है। नमक हमने पहले मसाले में भी डाला था, तो बहुत हल्का सा नमक हमें इसमें डालना है। चला लेंगे ताकि तेल अच्छी तरह से पूरी भिंडी पे कोट हो जाए। मसाला और तेल पूरी भिंडी पे कोट हो गया है। अब हम इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो हमें इसे ढक दे देना। 15 मिनट हो गए, अब हम भिंडी को चेक करेंगे। आहा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भिंडी हमारी बन चुकी है। हम इसे थोड़ा सा कट करके देख लेंगे। अच्छे से कट हो रही है। भिंडी हमारी बन चुकी है। बस इसे 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा पका लेंगे।
5 मिनट हो गए हैं, अब हम भिंडी को एक और बार चलाएंगे बस, और अब हम गैस को ऑफ कर